बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स। नमाज़े मगरब अदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मांगी गई पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुसलमानों की सलामती के लिए। तो ग्रेट व्यूअर्स, आज हम आगाज करेंगे प्योर इंसाफ, अदलिया, मुनसिफ, काजी। तो चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिज लॉर्डशिप आसफ सईद खोसा साहब ने पिछले दिनों एक ऑब्जर्वेशन दी कि माजी में, बल्कि उन्होंने शायद यूरोप की मिसाल भी दी कि जिन जिन्होंने नाइंसाफी की, जुल्म किया और कानून शिकनियां की, तबाही मचाई मुल्कों की, उनका ट्रायल कब्रों से निकाल के भी हुआ किया और सजा दी गई। बड़े अल्फाज कहे, खुदा करे इससे ऐसा कोई शेरशाह सूरी पैदा हो और मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो कि इस ग्रेट सेइंग और वर्डिक्ट। अच्छा, हम आपको यही एक गुजारिश कर दें कि मैंने जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने तो अभी ये दो तीन हफ्ते पहले कहा है ना, तो हमने पिछले प्रोग्राम में इससे कोई महीना के अंदर अंदर ये हमने ख्वाहिश जाहिर की थी कि दुनिया में कब्रों पे ट्रायल हुआ है। तो वो शायद हमारे अल्फाज इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को कहीं नजर से गुजर गए या उन्होंने सुन लिए। तो हिज लॉर्डशिप इज वेरी काइंड, उन्होंने कमाल बात की। उन्होंने कहा कि फिर जो जाबर हैं उनके ऊपर उनकी कब्रों पे ट्रायल हुआ, खुदा करे ऐसा ही हो और कब्रों तक नौबत ही ना आए। अगर कब्रों से पहले ही ट्रायल हो जाए और कब्रों से पहले ही उनको कब्र में भेज दिया जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। एनीवे, ये अर्ज सुबह बहुत पहले, अभी वो महीना गुजरा है, अप्रैल का महीना जा रहा है, सुबह सुबह ही बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। चूंकि हम वो सारा सिलसिला देख रहे थे, तो कैसे पकड़े गए अयूब खान से लेके अब तक, आपको पहले बता चुके हैं कि हम तारीख का हिस्सा हैं, तो सब जानते हैं किसने डैडी कहा, क्या हुआ, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, भुट्टो साहब ने अयूब खान साहब के साथ क्या किया, याह्या खान कैसे आ गया माशाल्लाह। और फिर हमने ढाका किताब तो बाद में आई, मैंने ढाका इन गुनाहगार आंखों से डूबते देखा जिसका जिक्र करते हुए भी खून के आंसू रोता हूं। हर चीज मुझे याद है वो जरा जरा। बहरहाल बहुत अफसोसनाक सुबह थी, फांसी पे चढ़ा दिया गया। अदलिया का फैसला था जो आज तक अदलिया खुद, अदलिया के चीफ जस्टिस मरहूम नसीम हसन शाह साहब ने इस पे खुद रिग्रेट का किया और कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था। बहरहाल दुनिया से सब चले गए। अच्छा, ये जितने एराज हैं, जुल्म के हों, अमन के हों, मोहब्बत के हों, ये गुजर जाते हैं। हिटलर ने कितनी तबाही मचाई, गर्दने कलम कर दी, इंसानों को जिंदा जला दिया, नाम लेने वाला कोई नहीं है। चलिए हिटलर से पहले चले चलते हैं, फिरौन, खुदा का दावा, नबरूद ने खुदा का दावा, कहां चले कैसा हम अक्सर कहते हैं। और फिर तैमूरलंग ने ताशकंद में, उसका वो मुझे बड़ा शौक था, तो उसके वो उसका जो पोर्ट्रेट है खूबसूरत, वो घोड़े पे बैठा हुआ, वो वहां जो एक पार्क है तैमूरलंग पार्क, और उसके साथ एक लव स्ट्रीट है, मैं ताशकंद जब गया तो वहां मैंने उसका जो उन्होंने स्टैचू खड़ा किया हुआ जिसपे वो बैठा हुआ है, वो बड़ा रोबदाब वाला है, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं वहां जाके उसको देखता था कि इस शख्स, ये क्या शख्स था, तबाही मचाई, ये वो। लेकिन फिर बड़े बड़े हुक्मरान आए, औरंगजेब आलमगीर के बारे में हम कहते हैं ये टोपियां सी, पता चला कि उसने सारे अपने भाइयों को गर्दनें कलम करवा दी। हजाज बिन यूसुफ के बारे में कल मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब एक दरस में फरमा रहे थे, बल्कि मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जो सीनियर तरीन साफी हैं, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, दुनिया उनको, उनके ऊपर तनकीद क्या करती है, लेकिन वो कमाल राइटर हैं, वो कमाल ब्रेन है, जलाली हैं, लेकिन हमें ये हमारे अल्लाह की जात का बड़ा करम है कि हमारे साथ वो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, क्योंकि मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ। वो है जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब ने हजाज बिन यूसुफ का जिक्र किया है,
बिन यूसुफ बड़ा सालिम और चाबर हुक्मरान था, लेकिन दामाद का नाम हम बड़े मोहब्बत लेते हैं, मोहम्मद बिन कासम। कहां गया हजाज बिन यूसुफ? लेकिन एक खातून की पुकार और रवाना कर दिया दामाद को, और फिर ये सारा दीन इस्लाम सिंध में फैला। ये बात करने की मकसद है कि ये आपको बताने का, जरा रिव्यू कराने का है कि कहां लोग चले गए। फिर नाम तो रहा उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का, 35,000 मुरब्बा मील की सल्तनत के अमीरुल मोमिनीन का, जो नीचे लेटते हैं। शेर खुदा अली करमुल्लाह वजह का नाम तो उनका रहेगा, और सरदारुल अंबिया का तो नाम ता हयात नहीं, कुर्रा अर्ज की हयाती के बाद तक भी उन्होंने हयात रहना, उनका नाम हयात रहना। अबू जहल का नाम भी हयात होगा लेकिन लानती के तौर पे, हिटलर का नाम लानती के तौर पे। और जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, ये हमारा ये दीन कह रहा है कि काजी का गरेबान अगले जहान, सबसे पहले जिसकी तलबी होगी काजी हाजिर हो, और फिर काजी रब्बे जुलजलाल के सामने हाजिर होगा और जवाब देना होगा कि क्या क्या, किन किन मासूमों के गले काटे, किन किन मासूमों के गले में नाजायज फांसियों के रस्से डाले। तो किसने जवाब देना है? मुंसिफों ने जवाब देना है, जजेस ने जवाब देना है। तो लिहाजा इस पे किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े तुरम खान शहनशाहरान आपके सामने, इमाम खुमैनी साहब आपके सामने, शाह फैसल मरहूम आपके सामने, और मतलब ये किरदार हैं जो हम देख रहे हैं, वो तो माजी के किस्से तो हैं ही, उनकी हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने है कि वो रुल गए, जालिम जाबर हुक्मरान रुल गए। इंसाफ का तिया पांचा करने वाले तबाह बर्बाद हो गए। तो हाँ, एक और मलून का जिक्र हम करना लाजमी समझते हैं कि ये अहद जो है वो याद रखे जाते हैं। नवासा रसूल कुर्बान जाऊं नहीं भूल सकते, लेकिन उस मलून को, उस घटिया को, उस बेगैरत इंसान यजीद को भी लानतान ता हयात होती रहेगी। तो ये अदवार जो हैं ये याद रखे जाते हैं, तारीख इनको नहीं मिटाती। लाख मिटा लीजिए, जेर जबर भी मिटा कर आगे पीछे करके देख लीजिए, लेकिन इस तरह इंसानों के सीनों के ऊपर ये लिख दिया गया है कि यजीद कौन था, नवासा रसूल के साथ क्या हुआ, सरदारुल अंबिया कैसे तकलीफें उठाई, उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु की फतूहत कैसे थी, हजरत बिलाल हबशी कौन थे। तो ये इराज, ये शख्सियात जो हैं ये तारीख में मौजूद हैं, इंसानों के सीनों पे लिखी हुई हैं, याद रखा जाएगा। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उनके किरदार लिख दिए गए हैं। दुश्मन भी रोता है, यजीद को उसके अपने भी थूकते होंगे। तो मैं गुजारिश कर था कि ये जो अदवार हैं ये अच्छा और बुरा जो है, ये अच्छे और बुरे याद रखे जाते हैं सदियों, ये नहीं भूलते। हिस्ट्री कहीं ना कहीं इनको डिग आउट कर लेती है, फ्रोल लेती है। तो आइए हम आपको आज आगाज कराते हैं। अगर नाम में दुरुस्त नाम लेने में कोताही हो जाए तो कारीन ग्रेट व्यूअर्स माफ कर दीजिए। जस्टिस सफदर अली, जिन्होंने भुट्टो के उस लार्जर बेंच में इखलाफी नोट लिखा था, वो नोट तो अब मुझे याद नहीं, लेकिन उनका नाम और उनका वो सारा किस्सा याद है कि सारे बेंच में सिर्फ उन्होंने लिखा था कि ये फांसी ये गलत है, और उन्होंने इख्तलाफ किया था। कारीन, अभी वो नस्ल मौजूद है, वो बेंच तो आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया से रुखसत हो गया, कुछ हयात होंगे तो अल्लाह क्या गया, उन्होंने भी जवाब देना है। लेकिन उस शख्स ने, उस जज साहब ने इख्तलाफी नोट क्या लिखा, फिर जो उनके साथ हुआ, उनके दो पोतड़े फरोल दिए गए, उनके साथ जो हाल कर दिया गया, वो तो माशाल्लाह था, वो तो फौज का दौर था, वो तो सारी फौज का नहीं, वो तो जनरल ज़िया साहब की जाती एनिमिटी थी, क्या था उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अदलिया का उस फैसले को अदलिया के खुद जजेस ने प्रेशर का नाम दिया, उन्होंने जवाब देना है। वो तो शख्स चला गया, वो कब्र में उतर गया,
लेकिन जिस दलेर जज ने वो इख्तलाफी नोट लिखा, हम उसको, हम आपको ये जो नई जनरेशन है उनको आपको शेयर करवा दें। जो जजेस साहबान है उस वक्त ये छोटे वकील होंगे, ये तो बाद में फिर सारा सिलसिला हुआ क्योंकि वो कमाल जजेस थे। उसके बाद बड़े बड़े जजेस आए, बदनामियों के दाग वाले जजेस भी आए, नेक नामियों का सिरे सर पे सजाए और ताज सर पे रखे और इज्जत और वकार के बैजेस सीने पे लगाए, अदलिया में मौजूद रहे। एक जस्टिस मुनीर जिन्होंने पहली असेंबली को जब वो तोड़ दी गई, जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया, तो उन्होंने उस कत्ले आम को जायज कर दिया जिससे हमारी तबाही का बुनियाद रख दी गई, फाउंडेशन रख दी गई। एनीवे वो भी बाद में किसी बात होगी। आपको ये तारीख इसलिए शेयर करवा रहा हूं कि वो जज साहब, उनकी फिर क्या कहा कि इसकी सनद जाली है, इसकी मैट्रिक की सनद नहीं है, इसमें ये कीड़े हैं, ये वो है। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए यहां से पता नहीं किस तरह वो भागते भागते कांटों में, खारदार तारों में अपने ही मुल्क से दरबदर हुए, छुपते छुपाते। वो कहते हैं उस वक्त हमें जो पता चला कि वो शायद अफगानिस्तान चले गए हैं और फिर कहीं गुम हो गए, तारीख में गुम हो गए, लेकिन उनका इख्तलाफी नोट आज मौजूद है। कारीन, ग्रेट व्यूअर्स, तो तारीख नहीं मिटाती। एक शख्स खड़ा हो गया, सबने फांसी का हुक्म सादर कर दिया और उसने लिखा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एनीवे वो चला गया, जज साहब चले गए, वो अफगानिस्तान में कहीं दफन हो गए, लेकिन उनका नाम अदरिया की तारीख में सुनहरी से भी प्लैटिनम अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जस्टिस जनाबे इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने चूंकि खुद कहे हैं, मैंने तो पहले अपने प्रोग्राम में कहा कि जो जाबर हैं, जालिम हैं, इंसाफ के कातिल हैं, उनकी कब्रों पे ट्रायल होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया। मैंने कहा बंदा तो तू बिल्कुल माठा सा साफी थका हुआ था, लेकिन कुदरत ने तेरे अल्फाज को चीफ जस्टिस के मुंह से भी करवा दिया। सलामत रहिए चीफ साहब, इन पे आप डट जाइए, आप जरा जो जुल्म हो गए हो गए, जो रात को 11 बजे फैसले करके सजाएं सुना दी गई, अदलिया का वकार बहाल कराइए। आपके सामने है क्या हो रहा है। तो ग्रेट व्यूअर्स, अपनी घर में आने से पहले मैं हाल ही में पड़ोस में लगी हुई आग का जिक्र जरूर करूंगा। यानी ये देखें कि जो शख्स भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो गोगोई साहब, गोगोई या गोगी साहब जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, बड़ा ओहदा, बड़े मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, कितना बड़ा मर्तबा होगा, कितने फैसले किए होंगे, कितने इंसानों को बरी किया होगा, कितने इंसानों को सजाए मौत दी होगी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और एक खातून ने 22 जजों को एफिडेविट लिख के भेज दिया है कि जनाब इन्होंने मैनू छेड़िया है। ओ माय गॉड। तो कहते हैं कि इंसान को तकब्बर से बचना चाहिए। क्लिंटन के साथ क्या हुआ, कितने बड़े मुल्क का सरबरा, जमहूरियत के खड़पैंच, मुल्क का खड़पैंच और हसीनो जमील, सोना संतोष, दर्पण की तरह का खूबसूरत, दिलीप की तरह का खूबसूरत क्लिंटन, कमाल क्लिंटन था, हमारे मुल्क का दोस्त था। बहरहाल अमेरिका दोस्त तो किसी का भी नहीं है, लेकिन उसके उनके होते हुए हमारे साथ अच्छी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे। और उनके साथ क्या हुआ, तो एक खातून ने उनका बाजा बजा दिया, उनका हशर कर दिया, उनका एक इक्तदार जो है डगमगा नहीं रहा। वो ऐसे धर्म से आते आते वो तो वहां की चुके खुफिया हाथों ने बचा लिया, उनकी इम्पीचमेंट नहीं होने दी, अदरवाइज वो तो ले गई थी, बोलियन उसकी ले गई थी। एनीवे तो यहाँ हमारे पड़ोस में चीफ जस्टिस ऑफ हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हिंदुस्तान को एक खातून लड़ गई। उसने जो कहा है वो अल्फाज यहाँ दोहराए नहीं जा सकते, वो शर्मनाक हैं।
लेकिन वहां हुआ क्या है? मैंने उस पे मैंने कल कहा है कि जनाब ये चीफ जस्टिस ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर भी वही हाल किया है मोदी सरकार ने, जो पुलवामा का हमारे ऊपर मलबा डाला और वहां से तो वो जलील हो गया, फिर उसने और कोई ड्रामे छेड़े, लेकिन मुझे लगता है उसने कोई चीफ जस्टिस साहब ने उनकी जो जजेस साहबान ने मोदी सरकार को शायद सपोर्ट नहीं किया या अपोजिशन के बंदे ज्यादा अंदर नहीं किए, तो उन्होंने कहा ला चीफ जस्टिस तू भी की याद करेगा, तेरा भी वास्ता किसे मोदी नाल पै गया है, और उन्होंने उसके ऊपर एक खातून छोड़ दिया है। उस खातून ने चीफ जस्टिस साहब को किसे जोगा नहीं छोड़ा, 22 जज हैं शायद, और उन्होंने उसने एफिडेविट में 22 एफिडेविट जजों को लगा के इल्जामात को चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जामात लगा दिए हैं और विद प्रूफ। अब वो बेचारी औरत रोती फिरती है कि जनाब मुझे मेरे ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मेरे खानदान के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया गया, मुलाजमा थी, मेरे भाइयों को वो भी जॉब करते थे उनको निकाल दिया गया, खानदान के ऊपर पर्चे हैं, बेशुमार तकलीफें हैं। कब तक? अगर तो उसने इल्जाम दुरुस्त लगाया है तो चीफ जस्टिस ऑफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट आप प्रोग्राम सुन लीजिए, आपको टैग किया जाएगा, भारत में ये लोग सुन रहे होंगे कि आप जितना मर्जी सता लें, अगर आपने आपके ऊपर ये इल्जाम सच है तो आपने जो अर्जेंट बेंच बनाया है, जो फौरी तौर पे आपने अपने उसी तरह का ही बेंच बना दिया है जिस तरह हमारे यहाँ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेटे के ऊपर जब मलिक रियाज साहब ने फुल कूड़े का टोकरा फेंका कि मुझसे पैसे लेते रहे, मेरे पैसे हैं, ये फलां जगह गए, ये फलां जगह गए, मोरक्को में गए, जो भी टिप थे, फलां 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 इल्जामात लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रातों रात एक जीआईटी बनाई और उस शख्स को उसका शायद हेड बनाया जो नामजद था मुर्ज़ा भुट्टो कत्ल केस में, यानी उनकी सरबराही में करवा के और वो वॉशिंग मशीन में वो केस बेटे का डाल के धो बो के फर्क कर दिया। बाद में हुकूमतें फिर क्या करती, किधर जाए आप बताएं? हमारे यहाँ डैम के पैसे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, जिनका काम ही कोई और था, उन्होंने डैम के लिए कौम के आगे झोली फैला दी, कौम बड़ी मासूम है, ढेर लगा देती है, बच्चों ने सबको दे दिया, बूढ़ियों ने दे दिया, फलां दे दिया, डैम 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 करते हुए और वो औपे जाता ही डैम तो टंग गया है। एनीवे असी हम लभदे फिरने हैं, कुछ लोगों ने उनकी बर्मिंगम में पैसे जमा करते वक्त कुछ बुखारियों ने उनकी पपियां भी ली, वो आजकल वो भी मौज ने। एनीवे तो जो इंडियन चीफ जस्टिस है ना, उन्होंने भी चलाकी कमाल की। देखें अगर मुसलमानों की हैसियत से उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर है और इल्जाम लग जाता है तो माफी चाहते हैं, नेट में हल्का सा झटका आया या जज्बात में हमने शहबाज शरीफ साहब की तरह माइक तोड़ने वाला प्रॉम चला दिया, तो असल में जब उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है तो हम फिर काबू भी नहीं रह जाते। और तो वह गुजारिश कर रहा था कि वहां तो फिर वो हिसाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने एक कुर्ते का हिसाब देते हैं। तो यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु गर्दन कलम करवा सकते थे, अली शेर खुदा गर्दने कलम करवा सकते थे, सबके बखिए उधेड़ के रख दिए, उठता था एक गुलाम उठता था, पूछता था ये कहां से लिया है, ये क्या किया है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज इंडियन चीफ जस्टिस के इस बेंच के ऊपर बात करने से पहले मैं अपने हुक्मरानों के लिए भी एक बात शेयर करा दूं, ये तारीख में है, ये रावी मौजूद हैं, मैं अभी उसकी कोटेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनिए ग्रेट व्यूअर्स, हम बड़ा जिक्र करते हैं हमारे यूसुफजा गिलानी साहब के ऊपर इल्जाम आया कि बाहर से एक नेकलेस का हार, क्या कीमत है यूसुफजा गिलानी साहब के लिए उसकी, वो अरबोंपति आदमी है, इतना आमदनी उनको मेजारों से आती है, और बड़ी आमदनियां हैं, अमीर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अमीर लोग हैं, इनके लिए हार वार क्या चीज है, इनके लिए दो मर्सिडीज लैंड क्रूजर कोई चीज नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज मी नेकलेस का वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफजा गिलानी के ऊपर एक हार के जी घर ले गए थे, तोशा खाने की चीज होती घर ले गए, बड़ी शर्मिंदगी। एनीवे आइए हम आपको एक बात ऐसी शेयर करवाते हैं ग्रेट व्यूअर्स
कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो जुन्नूरीन की एक क्यूट सोनी शहजादी, वो छोटी सी नन्नी सी बच्ची बैतुल माल में गई तो बैतुल माल के जो अमीन थे वो बड़ा प्यार व्यार किया कि उस्मान रजी अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की साहबजादी तशरीफ लाएं तो बड़े खुश नसीब हूं मैं। तो बच्ची को वो दिखा रहे थे, वो पूछ रही थी बच्चों की आदत है तो ये क्या ये क्या ये क्या, ये खूबसूरत। आगे ईद आ रही थी तो एक छोटी सी बैतुल माल में बड़ा ही खूबसूरत एक नेकलेस पड़ा हुआ था। बच्ची खड़ी हो गई, वो सादात की साहबजादी, वो क्यूट शहजादी खड़ी हो गई, सरदारुल अंबिया की नवासी। जब वहां खड़ी हुई तो बैतुल माल के जो अमीन थे उन्होंने पूछा बेटा ये पसंद है? तो बच्ची तो जाहिर है बच्चे होते हैं, तो उन्होंने कहा अरबी में कहा कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो आपने कहा ये ले जाओ, ये बाबा को ना बताना और नाना हजूर को भी ना बताना, ये ईद गुजारना, ईद पे पहन के चुपके से वापस आना और यही रख देंगे। अब वो बच्ची खुशी खुशी जाके हार लेके गई। जब उसने हार कहीं पहना होगा तो जनाबे खलीफा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पूछ लिया कि ये क्या है? तो उसने कहा बाबा सही ये हार है। तो उसने कहा तुमने कहाँ से ले लिया ये हार? कहा मैं गई थी उधर। सारी बच्ची ने वो सच सच बोलने वाले ये इधर के बच्चे तो नहीं थे कि मुझे फलाने दिया मुझे फलाने दिया। तो शहजादी ने तो बता दिया कि ये हार तो हमें अंकल ने दिया है, चाचा ने दिया है, बाबा ने दिया है। तो उन्होंने कहा उन्होंने आप जलाली हो गए, आंखों में गुस्सा उतर आया। बेटी को मार तो नहीं सकते थे, ये मारने वाला और पीटने वाला और जिंदा जलाने वाला दौर तो खत्म हो गया था। तो पूछा कि उन्होंने क्या कहा था? तो शहजादी ने फरमाया कि मैंने मुझे अच्छा लगा तो चाचा ने कहा कि ले जाएं ईद की लिबास पे इसको ईद में पहनना और फिर ईद के बाद इसको वापस कर दो। अब आप सुनिए ग्रेट व्यूअर्स, हमारे हुक्मरान क्या हैं जो सारा दिन माला जपते हैं, उमर बिन खिताब रजी अल्लाह का नाम लेते हैं, हसन और हुसैन की माला जपते हैं, नाम लेते हैं उन हस्तियों का नाम लेते हैं, अपने गरेबानों में हम मैं अपने घर में क्या झांक सकता हूं, आप अपने घरों में क्या झांक सकते हैं, करते क्या हैं? तेल चोरी, पेट्रोल चोरी, सरकारी पेट्रोल, असेंबलियों में क्या हाल हो रहा है? आप तनख्वाहें लेते हैं अब जाते ही नहीं है, तकरीरें करके सारा दिन घंटों लड़ाई करके हमारा पैसा कौम का बर्बाद करते हैं, वहां क्या हिसाब हो रहा है? बैतुल माल के अमीन को तलब कर लिया गया, पूछा हार तुमने दिया है? वो कांपने लग गया, जी मेरे आका क्या कहा था अपने बच्ची को? उन्होंने फरमाया कि मैंने ये प्यार से बच्ची को पसंद था मैंने दे दिया और मैं उन्होंने फिर वो बात दोहराई कि मैंने कहा था कि ईद देख के ईद को ईद के बाद हार वापस कर दीजिए। अरे कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो जुन्नूरीन के जरा सुनिए क्या अल्फाज हैं, ये मैं नहीं कह रहा ये तारीख में रकम है अल्फाज, किसी को पसंद आए ना पसंद आए ये तारीख कह रही है। ये अल्फाज जुन्नूरीन सरदारुल अंबिया के दामाद जिनके घर दो साहबजादियां थी ये उनके अल्फाज हैं, लिहाजा कोई गुस्ताखी की जरूरत ना मैं कर सकता हूं ना मैं इसमें अल्फाज में लफाजी कर सकता हूं और ना आप सुनने में कहने पे कोई गलत बयानी कर दीजिए, बड़ी गिरफ्त होगी। आपने फरमाया आप तुमने ये कहा कि ईद के बाद ये हार वापस कर जाना बैतुल माल में, क्या तुम्हें पता है कि ईद तक तुम जिंदा रहोगे? कुछ कांप रहा था, रो रहा था, माफी मांगी, हार वापस कर दिया गया। उन्होंने आपने कहा कि तुमने जो प्रॉमिस लिया है और कहा है बच्ची को, अब कोई और होता अमीने बैतुल माल की एक्सटेंशन कर देता, उसके चार बच्चे नौकर कर देता, उसको दो कनाल का प्लाट, चार कनाल का प्लाट दे देता, जरी जमीन दे देता, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, 2 करोड़ इसको दे दीजिए। बल्कि मुझे ये आज ये कहते हुए ये प्रोग्राम में अगले प्रोमो में आपको बताना है कि जनाब चेयरमैन जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब नैब के चेयरमैन, बाकी तो आपने अगले जान हिसाब देना है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि PIA के जो एयर मार्शल साहब से पहले आए सेक्रेटरी एविएशन आए जिनके पास एडिशनल चार्ज था PIA के चेयरमैन का 2 करोड़ रुपया और 7 सीनियर स्टाफ एसोसिएशन यूनियन ने सिर्फ
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए, क्योंकि वो गन पॉइंट पे पैसे मांगे जा रहे थे। 2 करोड़ रुपया उस वक्त पीआईए से निकाल के दिया जब पीआईए के मुलाजमीन की तनखाओं के पैसे नहीं थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, लोग तड़प रहे थे, जो फाइनेंस मैनेजमेंट थी वो तड़प रही थी, पैसे इधर उधर से पकड़े जा रहे थे, तेल के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, सिविल एविएशन के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। तो 2 करोड़ रुपया एक चेक के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए 2 करोड़ रुपया दे दिया। मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ, मैं उनको शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़े काम करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया था आपने किस चक्कर में 2 करोड़ रुपया शहद अफरीदी को दे दिया है, किस चक्कर में क्यों दिया, अपने जाती पैसे मुझसे दो, कौम के खजाने में से क्या किया है, किस लिए पैसे दिए जाए, गरीब के पास तो घर नहीं है, नाले पे रह रहे हैं, पाँव में जूती नहीं है, आप उठते हैं 2 करोड़ दे दीजिए, 50 करोड़ दे दीजिए। हम कप्तान साहब को भी हमने कहा कि हमारे पास अपने यहाँ रोटी की तंगी आ गई है, हमारे पास बहुत बुरा हाल हो गया है, हमारे अफगानिस्तान की कमाल दोस्ती है, वहां से उठते हैं हमारे बच्चे जिबा कर देते हैं, हमारे जवान जिबा कर देते हैं, वहां से बैठ के टेररिज्म होता है, हमने अफगानिस्तान को रशिया के मुंह से क्या छुड़ाया, उसने हमारा हशर कर दिया, हमारे बच्चे शहीद कर दिए, आपने कितने हजार टन या लाख टन जाके उनको गंदम दे दी। ये सरकारी खजानों का हिसाब जो है आपको देना होगा, तो मेहरबानी फरमा के इस पे भी हाथ वाला रखिए। अगर वजीर आजम हाउस में जनाब कप्तान साहब आप बिस्कुट और चाय सर्व करते हैं तो ये आप अपने ये जो खुले हाथ है इसको भी रोकिए। इस पे बात बाद में होगी, बात अलिया की हो रही, हजरत उस्मान रजी अल्लाह जुनेरीन की साहबजादी की हो रही है, तो वो हार का ये हुआ। एनीवे चीफ जस्टिस साहब इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फटोफट जब उनके ऊपर ये बहुत बड़ा मलबा डाल दिया गया, और उस खातून ने पूरी दुनिया में वो अपना जो नौहा है वो सर्कुलेट कर दिया, तमाम मीडिया को दे दिया, तमाम अदलिया को दे दिया, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त फ्लोट कर रहा, वायरल तो छोटा लफ्ज हो गया, लेकिन क्या किया, बजाय जाके उस खातून के घर जाके पांव पड़ते और कनपटी पे पिस्टल रख के अपने आप को गोली मार लेते कि एक खातून ने एक मुनसिफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया है और उस बेंच को खुद हेड कर रहे हैं, क्या इंसाफ मिलेगा। गुजारों को था रो रही है कि अब बेलें नहीं हो रही, इंटरिम बेल हुई है, वो कह रही उसका बुरा हाल है, ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगा है, आप खुद ही फैसले कर लें यार। यानी ऐसे ही है जैसे SHO के खिलाफ रेप केस का मुकदमा हो और इंक्वायरी SHO ही करे, हमारे यहां भी यही है, GIT बने उसमें वही बंदे डाल दिए जाए। और अब आइए हम अपने तरफ आते हैं कि यहां चीफ जस्टिस साहब ने कहा कब्रों पे ट्रायल होना चाहिए, एक रेफरेंस पड़ा हुआ है जरदारी साहब वाला, जरदारी साहब ने अपने काम भी कोई हो जो चंगे नहीं, और भी बड़े रेफरेंस, मुर्ज़ा भुट्टो का जो कत्ल केस है उसका आज तक पता ही नहीं चला, उसके कातल जो है वो मौज मस्तियां करते रहे, वो GIT के सरबराह बनते रहे, उसका कोई जिक्र नहीं करते। बेनजीर के कत्ल का भी ओ भाई बलावल, वो बच्चे क्या सारा दिन लगे रहते हो, अच्छा बोलते हो ठीक है, वो लेकिन मामू के कत्ल का तो पता कराओ, मुर्ज़ा भुट्टो का कत्ल तुम्हारी माँ दि ग्रेट लेडी उस वो वजीर आजम थी आपके घर के बाहर आपके मामू मर्डर कर दिए गए, आपकी वालदा मोहतरमा वजीर आजम पाकिस्तान और आपके अब्बा जी एक जरदारी सब पे भारी, वजीर आजम का शोहर और खुद भी बड़े पोर्टफोलियो, और आपके दादा जिसका आप जिक्र नहीं करते, नाना का जिक्र आप करते हैं, दादा का कभी जिक्र नहीं किया हाकम जरदारी साहब का, भाई आपके मामू दरवाजे पे वजीर आजम हाउस के दरवाजे पे मार दिए गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। बेनजीर का जो कातिल थे जिनको आपने अलेज किया, वो ग्रेट लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, परवेज लाई साहब एक शरीफ और नफ्स इंसान है, हमारे बहुत मोहतरम है, हमारा बड़ा हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, चौहशदास साहब धीमे से लोग हैं, आप जिसको अलेज किया आपकी वालदा ने वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे आपके अब्बाजी के साथ, आप इमरान साहब को बड़े ताने देते हैं, बड़ी बातें करते हैं,
आपके साथ जो रहमान मलिक साहब हैं, मैं टॉपिक से इसलिए आपको सबको याद करा रहा हूं कि रहमान मलिक साहब हर 5 मिनट के बाद अल्ताफ भाई ओ भाई उन एजेंसियों को सलाम पेश करता हूं, उनको सलूट पेश करता हूं, शहरियों को, रेंजर्स को, पुलिस को, बड़ी कुर्बानियों के बाद फौज को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि कराची का अमन लौटाने में ये एक बुके बना, इन्होंने फैसला किया और कराची का अमन लौटा और जिसको अब तबाह और बर्बाद करने की यही लोग खराब कर रहे हैं, ये जो वहां बैठे हैं ये खराब कर रहे हैं। आप कहते हैं खान साहब ने कहा कि खान साहब ने एक बड़ी कप्तान इमरान ने बड़ी दिलेरी की, ये बेचारे गए, ये हिंदुस्तान इंग्लैंड गए, इन्होंने अल्ताफ को कहा कि मैं इसको हथकड़ियां लगाऊंगा, क्या मजबूरी आई, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन स्टेप बहुत बड़ा था। और अब आप कहते हैं जो ख्यालात उनके हैं वही हमारे हैं, भाई पीछे वही है, अल्ताफ हुसैन मेन है। लंदन में अभी मुजाहरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन ने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान के वक्त मैं जवान होता, 18-19 साल का होता, मैं इसके खिलाफ वोट देता, कर लो गल। तो गुजारिश ये है कि बल्कि शाहिद सदीकी साहब, जस्टिस शाहिद सदीकी साहब के पास का जिक्र करने से पहले, जस्टिस फायज ईसा साहब का जिक्र करने से पहले, मैं आज एक छोटा सा एक और शेयर कर दूं आपको। ये ग्रेट व्यूअर्स, अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, एक एंकर साहब के प्रोग्राम में एक खातून पीछे की तशरीफ लाई हुई थी, तो लोग तनकीद करते हैं कि ये क्या हो गया, डॉलर ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, महंगाई हो गई, इसका चूंकि आज टॉपिक नहीं है, लेकिन उन जो खातून पीटीआई की थी उनको जब बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कमाल मिसाल दी, वाह भाई वाह, सदके जामा तेरे तो अल्लाह दिए बंदिए। उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान हमें कैंसर की एक लाश के तौर पे दिया गया है, और आपको पता है कैंसर एक मुजी मर्ज है, और कैंसर को ट्रीटमेंट कीमो से स्टार्ट की जाती है, फिर उसमें वोमिटिंग होती है, बड़ा ही अफसोस है। अरे आपको कैंसर का पता ही नहीं है बीबी, अरे खातून, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुम्हारे मुंह से कैंसर का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। कैंसर किसी दुश्मन के ऊपर भी नहीं पड़ना चाहिए, खुदारा कीमो एक बहुत बड़ी ठगी है, और दुनिया में कीमो इंडस्ट्री जो है वो एक लूटिंग है, बहुत बड़ी लुट है, और आप इसकी सर्वाइवल रेशियो कैंसर के पेशेंट की कुदरत ही करे तो करे, वरना हंसता बंसता इंसान आप लेके जाते हैं, और कीमो ऐसे ही है जैसे डायनामाइट से किसी पहाड़ को उड़ा दिया जाता है, किसी पत्थर को उड़ा दिया जाता है, कीमो लगना शुरू हुई लाश फटनी शुरू हो जाएगी, चलता हुआ इंसान उसके चीथड़े होने शुरू हो जाएंगे। आप वोमिटिंग की बात करती हैं, जाइए आए किस दिन मेरे साथ, आप बैठे चलते हैं, आपको आप शौकत खान कहेंगे बात तो आप, मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सियासी बात है, इमरान को भी बुरी लगेगी, लेकिन अल्लाह वहां दुश्मन को ना लेके जाए उसके ऊपर फिर बात करेंगे। मैं लिख चुका हूं खुदारा कीमो के पीछे मत जाइए, कोई सूरत रहमान से लगा के दुआ कर लीजिए बचत हो जाए, बचत हो जाए, वरना घर बिक गए लोगों के, कीमो लगवाते 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 हंसता बसता घराना, रोज चीटिंग, रोज डॉक्टर कहते हैं आज बच जाएगा, 6वीं कीमो, आज 10वीं कीमो, और फिर कीमा कीमा होके वो लाश खा जाती है। लिहाजा खातून जो वासे चौधरी के प्रोग्राम में थी तो उन्होंने ठीक कहा। एनीवे टॉपिक नहीं है, तो ये पाकिस्तान कैंसर वाली हालत में नहीं मिला, कैंसर अब ना बन जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो फोड़ा अब ना बन जाए, बड़ा बुरा हाल है, और तौबा करें। और आप ये कहें कि मुजमिल था जो हमें मिला उसका बीपी शीपी लो था, ठीक कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कैंसर वैंसर वाला, चूंकि आप पीटीए से हैं और आपने इमरान खान साहब के जिक्र वो एक हॉस्पिटल लो करना होता है, लेकिन खुदारा आइंदा कभी इसका रेफरेंस ना दे, ये तो दुश्मन के घर में भी नहीं होना चाहिए और इसका कोई इलाज नहीं है। जस्टिस शाहिद सदीकी साहब को निकाल दिया गया, आप चीफ जस्टिस साहब बैठे, खुदा करे कोई इंसाफ हो जाए। अब दूसरा ये है कि जस्टिस ईसा साहब जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है मुझे नहीं पता, वो मैंने कोई इतना केस वेस भी नहीं पढ़ा, लेकिन बड़ी अफसोस है अब गालियों पे उतर आए बच्चे, और लाहौर बार ने
उनके खिलाफ किरारदार, वो अब उन्होंने तरदीद कर दिया है कि हमारी एग्जेक्टिव बॉडी के चेयरमैन ने ये किया वो किया। नहायत अफसोस की बात है कि अगर कोई आपका कहना नहीं मानता या अपनी मर्जी करता है तो आप जस्टिस मंसूर की अदालत तोड़ देते हैं, आप मुल्तान में जजों को मार देते हैं, खातून जजों को मारना शुरू कर देते हैं, और आज आपने किरदारदार पंजाब के एक कलंक का टीका लगा दिया कि एक जज साहब ने कोई वकीलों के बारे में नहीं कहा, उन्होंने एक फैसला दिया है और कौम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई इतना दलेर आदमी है और उसको उनकी तजलील का प्रोग्राम शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सरदार शमीम साहब, उनको हमने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कभी इमरान साहब इनको बच्चों को समझाएं, आप कहते हैं जी अदलिया को हम कुछ नहीं, वो अपनी आजादी से काम करे। अब अगर अदलिया, वो अदलिया आजादी से काम करे कि रात को 11 बजे फैसले देने हैं और सारा कुछ सब अंदर कर दें और सिर्फ आप मौजे करें, अगर वो अदलिया चाहिए तो फिर अदलिया नहीं, वो मुल्क नहीं रहेगा सर, माजी बारे भी चलेगा। तो आप अदलिया को काम करने दें, जो जजेस साहबान उन्होंने अपना हिसाब खुद देना है। लिहाजा अदलिया का खुदारा, अदलिया को इतना परागंदा ना करें, ना बेइज्जत करें, एक आसरा अदलिया का रह जाता है और अगर अदलिया से माजी में कोई कोताहियां हुई हैं तो अल्लाह ताला तौफीक देगा, क्योंकि बड़ा हिसाब होना उनको भी पता है। वो नाम रुल गए, वो जजेस रुल गए, वो वकला रुल गए, वो फौजी जर्नैल रुल गए, और रहा किसका नाम, हयात रहा अजीज भट्टी, नौजवानी में चला गया लेकिन मुल्क का नाम, अपनी जान मुल्क के नाम पे दे दी, कुर्बान कर दिया। वो शहीद राशिद बिनास, मैनी अदर, मैनी अदर। तो 65 वाली फौज के जो क्रॉप है वो नजर आनी चाहिए, लोग गले मिले। एहसन सदीकी शहजादे ने जहाज क्या फड़काया, मुझे ऐसे था कि जैसे मेरे सामने 65 का मैं यकूब जावेद कमयाना 65 का वो मुंडा हो गया हूं, ये चाहता था उसको चूमा जाए, ऐसे बनिए। और इस तरह जनाब चीफ जस्टिस मेहरबानी फरमाए, ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, ये जो वहां तो कम से कम सेक्सुअल हरासमेंट का केस चीफ जस्टिस पे हुआ है, सारे जज इकट्ठे बैठ गए, तो चीफ साहब कितने दिन रह जाएंगे आप, नाम पैदा कर जाइए। अब आप बताइए, आप तलब कीजिए चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब को, हिसाब तो मांगिए सर, आप हिसाब मांग रहे हैं सबका, मांगिए रमजान शुगर मिल का, मांगिए एवन फील्ड रेफरेंस का भी, आपके पास केसेस हैं, बनी गाला के रेफरेंस आपके पास हैं, अलीम खान साहब जेल भुगत रहे हैं, ख्वाजा बरादरन जेल भुगत रहे हैं, मैनी अदर्स, जरदारी साहब अपनी बहन के साथ केस भुगत रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं ना, वहां भट्टे तो नहीं अदालतों को मारते, जाते हैं सर झुका के, 2 दिन की बेल एक्सटेंशन होती, आपको दुआएं देके खुशी खुशी आ जाओ, कीजिए। लेकिन अरबों रुपए के केसेस 10 साल रुनाने के बाद खनानी एंड कालिया बरी हो गए, कौन मुजरम है सर, कितना बड़ा उनको तबाह कर दिया गया जिन्होंने, अब इसका फैसला तो सर आप नहीं कर रहे। सेम बोल्टेलवेन के मालकान, उनके साथ जो हशर हुआ, कभी छोड़ दिया जाता है, पता चला एक जज साहब ने पैसे लेके जमानत कर दी, सर सेम इज द मलिक रियाज साहब, मलिक रियाज साहब कसूरवार है नहीं कसूरवार है, एक अदालत ने कुछ किया, आप अदालतें कुछ कर रही हैं, सर कुछ ऐसा फैसला कर जाइए कि तारीख याद रखे कि लूटी हुई दौलत वापस आई तो सब की आई, एक घर की नहीं सर, सब की, और टांग दीजिए, उल्टा लटका दीजिए, गर्दने कलम कर दीजिए, आप अपनी अदालत के बाहर टिकटिकियां लगा दीजिए। अभी एक किसी मुल्क में एक बच्ची के साथ, छोटी सी ननी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फायरिंग स्क्वाड के सामने फायर स्क्वाड था फैसला किया, अदालत ने बुलाया, यहां आपको काम ही करने दे, यहां अदालतों के चक्कर, अदालतों के चक्कर, और फिर इंसाफ की राहदारियों में लोग रुल जाते हैं, मर जाते हैं, पोते को इंसाफ नहीं मिलता। आपने अभी कुछ कहा है, फरमाया है कि पिछले महीने में इतने केसों की डिस्पोजल हुई है, यकीनन जजेस की तादाद कम है, यकीनन आपके पास इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने जो 30 साल पहले अदालत देखी उसमें पुराना टूटा हुआ पंखा गहें गहें चल रहा था। अब मुझे जाने का मौका मिला है हाई कोर्ट में, गया था दोस्तों के साथ,
और मैंने वहां से प्रोग्राम की रिपोर्टिंग भी देखी, अब तो एयर कंडीशन बड़ी खूबसूरत अदालतें हैं। गो छोटी अदालतों का हाल वो नहीं है, लेकिन ये जो नैपोर्ट्स हैं इसमें भी जजेस के लिए एसी वेसी लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, काफी बेहतर है, हम बहुत बेहतर हैं। और यकीनन और बेहतर होगा अदरिया के पास। मैं आपसे एक ही चीज साहब गुजारिश करूंगा कि ये जो जजेस के ऊपर मड स्लाइडिंग हो रही है इसका प्लीज नोटिस लें। वो जस्टिस ईसा साहब हों, जस्टिस साहिद सदीकी साहब हों, आप हो, कोई हो, मेहरबानी करके तलकीन कीजिए। और जो ये सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचाया हुआ है, ये खुदा के लिए इसका नोटिस लें। और ये जो खुफिया हाथ हैं जो अदालतों को मलून कर रहे हैं, उनका मेहरबानी फरमा के मक्कू ठपो। और कब्रों पे ट्रायल वाला मामला तो बाद में करें, जिंदा का ट्रायल जो है वो इंसाफ का बिल्कुल बोलबाला कर दें। आपका वकार बुलंद हो। और जनाब इज्जत महाब चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम काबिल एहतराम जनाब चीफ ऑफ आर्मी, हमारी काबिल एहतराम एजेंसियां, आप मिलके और हकूमत वक्त जो है आप मिलके कोई ऐसा ऐसा खूबसूरत दस्तूर बना लें कि किसे नु नहीं छड़ना, चाहे जनरल होवे, चाहे जज होवे, चाहे जर्नलिस्ट होवे। और सियासतदान तो बेचारे भुगत ही रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी चीफ ने तहिया कर लिया इस तरह टेरिस के पीछे लगे हुए हैं और छोटी मोटी चीजें दरगुजर करें। बलावल कह रहा था जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया, कोई ये कह रहा है कि जी उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए जापान और जर्मनी। अरे यार ये बिल्कुल छोटी चीजें हैं, इंसान है, ठीक है। और कप्तान ने कोई पॉलिटिकल साइंस लिया, मैं नहीं किया ना। अब आप मुझे बताएं कि क्या बलावल की फुफो के मुंह से ये नहीं निकल गया था, तकरीर कर रहे थे, कई और कर रहे थे कि हम शहीदों का खानदान है, यहाँ ये शहीद है, कायम अली शाह साहब ने कह दिया, फलां ने कह दिया, सब शहीद हमारे शहीदों के खानदान में, बलावल शहीद है। कहा है या नहीं कहा? अगर गलत है तो मैं आपके साथ, मुझे आप, मैं भुगतने के लिए तैयार, आई एम रेडी टू। मैं आखिर में दुआ करूंगा कि वो जो हमारे मासूम बेचारे बेगुना उर्माड़ा में बदमाशों ने पिचिस के औलाद ने शहीद कर दिए, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर देना और उनके यतीम बच्चों के ऊपर तुम शफकत का साया कर देना और हुकूमत भी उनका ख्याल रखे। हमारे तमाम मुल्क के लिए मैं दुआ गा हूँ, परवरदिगार हमारे मुल्क को सलामत रखना। मैं कोई आलम तो नहीं, लेकिन मालिक कायनात ये जो मनहूस साए हैं इसको ख़त्म कर दें, हमारी मईशत ठीक हो जाए, हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएं। अगर ये हुक्मरानों को पता है कि हुक्मरानों का हशर बहुत बुरा हुआ इसी पाकिस्तान में, ईरान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, अपने मुल्क में हुक्मरानों का जो हाल हुआ सबके सामने है, खुदा ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाइए और अपने मेजबान के लिए दुआ गो रहिए कि सच बोलने की तौफीक और डिग डीपली डिग आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और पाकिस्तान के तमाम इदारे फ्लरिश करें, स्टॉक एक्सचेंज उठे, कप्तान काम करें, कप्तान काम करो, नहीं तुम्हारी दास्तान तक नहीं ना होगी दास्तानों में। और इन बच्चों को लगाम डालो जो बदतमीजी सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं। और मेरे पड़ोस में मॉडल टाउन लिंक रोड पे जो आमना माल के मालिक हैं चॉइस साहब, हमारे दोस्त हैं, वो रोज आयात भेजते हैं, फूलों वाले गुलदस्ते और दुआएं भेजते हैं, लेकिन इस कदर गंदी जबान की उन्होंने चंद रोज पहले रायवंड वाली जो ख्वातीन है उनके बारे में इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला चॉइस साहब को माफ फरमाए और उनको हिदायत दे। पाकिस्तान का इतना ख्याल रखिए अपनी औलाद से ज्यादा। और मैं आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।